أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم student I hope you are in the best condition of health and iman student today our topic is noun today we will discuss about the noun student you know everything has a noun स्टूडेंट आपको पता है कि एवरीथिंग हैज़ अ नाउन नाउ वी रीड द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन फ्रॉम वर्कबुक पेज नंबर 26 आवर डेफिनेशन इज हियर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग एज टेबल लाइन एक्सेट्रा Noun is a name of a person. Student के स्टूडेंट नाउन एक नेम ऑफ अ पर्सन हमने फर्स्टली लेसन स्टार्ट कर फर्स्ट में हमारे पास आता है पर्सन पर्सन में लाइक योर नेम योर फादर योर मदर नेम योर टीचर नेम योर फ्रेंड नेम दीज आर द पर्सन नाउन्स एंड सेकेंड वन हेयर इज प्लेस एवरी प्लेस लाइक योर स्कूल दारकम स्कूल कराची लाहौर फैसलाबाद दीज आर द प्लेसेस नाउन एनिमल एवरी एनिमल हैज अ नाउन लाइक अ लाइन टाइगर ऑक्स कैंगरू लाइक दैट और अ थिंग थिंग में एज अ टेबल चेयर रेजर पेंसिल शॉर्पनर बैट दीज आर ऑल द थिंग्स नाउन स्टूडेंट नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन ऑन योर वर्कबुक पेज 26 गिवन द लाइन्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर पुट द नाउन इन करेक्ट बॉक्सिस कैन यू राइट दैम इन एन अल्फाबेटिकली ऑर्डर आवर क्वेश्चन इज पुट द नाउन्स इन करेक्ट बॉक्सिस हमें नीचे स्टूडेंट बॉक्सेस दिए हुए हैं जिनमें हमने करेक्ट जो है फाइंड आउट करके जो बॉक्स के अंदर से नाउन्स को राइट करना है और किस में राइट करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में राइट करना है ये बॉक्स है जिसमें आपको सारे नाउन्स दिए हुए हैं जिस मिक्स हैं पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इनको आपने जो है इनके अंदर से फाइंड आउट करके करेक्ट प्लेस पिन पे पुट करना है फर्स्ट बॉक्स है एनिमल्स का उसको अपने एनिमल्स को फाइंड आउट करके इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में राइट करना है नेक्स्ट है प्लेसेस प्लेसेस के नेम्स जो है वो अपने नाउन्स राइट करके वो उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में राइट करना है यार नेक्स्ट है पर्सन्स पर्सन्स के नेम्स जो है नाउन्स जो है वो फाइंड आउट करके उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में राइट करना है एंड थिंग्स के हैं थिंग्स के नेम आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पे राइट करने हैं ये बॉक्स के अंदर से फाइंड आउट करके यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम द नोट्स ऑल्सो शैतान वालीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आई होप यू आर इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इज अ वर्ब स्टूडेंट आवर टॉपिक इज अ वर्ब स्टूडेंट यू नो वर्ब इज डूइंग वर्ड वर्ब इज अ डूइंग वर्ड वर्ब इज अ डूइंग वर्ड Now we have a definition here on the page number 27. It is a word that shows action. हर वो काम स्टूडेंट जो हम करते हैं
वो क्या एक्शन करते हैं वो क्या होती है, वर्ब होती है, लाइक ईटिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, वीपिंग, क्राइंग, ये सब जो एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं. स्टूडेंट राइट द डेफिनेशन ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 27 गिवन द लाइंस. हियर वी हैव अ क्वेश्चन हियर ऑन द पेज नंबर 27. सर्कल द वर्ब इन ईच सेंटेंस. सर्कल द वर्ब्स इन ईच सेंटेंस. स्टूडेंट्स सबने इसमें सर्कल करना है, इस क्वेश्चन में हर सेंटेंस को रीड करके वर्ब को किसका करना है सर्कल, वर्ब को. फर्स्ट सेंटेंस इज सना एंड हर मदर कुक लंच. तो इसमें हमारे पास वर्ब क्या है, कुक. एंड सेकेंड सेंटेंस इज राशिद इज क्लीनिंग हिज कार. हियर वर्ब इज क्लीनिंग. थर्ड सेंटेंस इज हियर गोल्डीलॉक्स स्लीप्स इन द बियर्स बेड. हियर स्टूडेंट वी हैव अ वर्ब स्लीप्स सोना. एंड फोर्थ सेंटेंस इज द फ्रॉग हॉप्स ऑन द ग्राउंड. द फॉक्स हॉप्स ऑन द ग्राउंड. हियर वर्ब इज अ ग्राउंड हॉप्स. एंड फाइव सेंटेंस है उसमें है हमारे पास सेंटेंस है द कैट क्लाइम्ड अ ट्री. द कैट क्लाइम्ड अ ट्री. हियर वर्ब इज अ क्लाइम्ड. स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू वर्ब्स. राइट टू वर्ब्स दैट यू कुड डू इन ईच ऑफ दिस प्लेसेस. और नीचे आपको दिए हुए हैं उन्होंने प्लेसेस ने नाउन दी हमें, उसमें से आपने राइट करने हैं वर्ब्स यानी कि एक्शंस राइट करने हैं आप जो जो परफॉर्म कर सकते हैं इन प्लेसेस पर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लासरूम. स्टूडेंट कि क्लासरूम में कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, आपने ओनली टू वर्ब्स राइट करने हैं. टू वर्ब्स, फर्स्ट वन इज रीडिंग एंड सेकेंड वन इज राइटिंग. एंड नेक्स्ट है पार्क. व्हाट यू आर डूइंग इन द पार्क. आप पार्क में क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, प्लेइंग, स्लाइडिंग, और भी बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स एक्शंस, बट यू कैन राइट द ओनली टू वर्ब्स हियर. किचन. किचन में क्या मम्मा परफॉर्म करती हैं एक्शंस, कुकिंग एंड वॉशिंग, यानी कि कुकिंग खाना बना रही होती हैं, वॉशिंग प्लेट्स बर्तन वगैरह जो साफ कर रहे होते हैं हम. नेक्स्ट है बीच. बीच पे स्टूडेंट प्लेस है उसमें आएगा हमारे पास वॉकिंग एंड इंजॉइंग. आई होप यू स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेसन एंड यू कैन राइट ऑन योर वर्कबुक नीटली एंड डोंट मेक अ एनी मिस्टेक हियर. एंड अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान. स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इज एन एडजेक्टिव. नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 28. वी विल लर्न अबाउट एन एडजेक्टिव. स्टूडेंट हियर डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव टेल्स अस something about a person or a thing. Student, जैसे कि हमने एडजेक्टिव से पहले पढ़ा था नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन किसी भी चीज का नाम था. और एडजेक्टिव क्या है, इस नाउन की क्वालिटी को बयान करता है और इसकी क्वांटिटी किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताता है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. स्टूडेंट एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी नाउन को जो है उसकी क्वालिटी को उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है. जैसे कि इसकी डेफिनेशन में है एडजेक्टिव टेल्स अस समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. किसी भी पर्सन किसी भी थिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसकी क्वालिटी बताता है उसकी क्वांटिटी बताता है. जैसे क्वांटिटी में इसकी
क्वालिटी में लाइक अ गुड बेड एक्सीलेंट लाइक दैट, एंड उसकी क्वांटिटी में लाइक अ बिग फैट स्मॉल लाइक दैट. नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द वर्कबुक पेज नंबर 28. आवर क्वेश्चन इज हियर, सर्कल द एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन द नाउन इन द गिवन सेंटेंस. स्टूडेंट यहाँ पे हमें उन्होंने सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें हमने क्या करना है, एडजेक्टिव को हमने सर्कल करना है और जो नाउन है उसको हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है. लाइक फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, आई हैव अ स्मॉल फिश. स्मॉल इज एन एडजेक्टिव एंड फिश इज अ नाउन. सर्कल द स्मॉल एंड अंडरलाइन द वर्ड फिश. एंड सेकेंड सेंटेंस इज रिदा हैज अ लॉन्ग हेयर. रिदा इज अ नाउन एंड लॉन्ग हेयर इज अ एडजेक्टिव. थर्ड सेंटेंस इज हियर, दैट इज द जूसी स्ट्रॉबेरी. दैट इज द जूसी स्ट्रॉबेरी. जूसी इज अ एडजेक्टिव, स्ट्रॉबेरी इज अ नाउन. कि स्ट्रॉबेरी है वो एक नाउन है और वो क्या है, जूसी है. उसकी क्या है, क्वालिटी है जूसी होना. एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, आई एट द क्रंची एप्पल. आई एट द क्रंची एप्पल. एप्पल क्या है, क्रंची है. एप्पल क्या होगा, नाउन, और क्रंची इसकी क्या हो गया, एडजेक्टिव. नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, आई गोट अ बिग आइसक्रीम कोन. आई गोट अ बिग आइसक्रीम कोन. हेयर आइसक्रीम इज अ नाउन, अंडरलाइन दिस, एंड बिग इज अ एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राइट एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द. राइट एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द. यहाँ हमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं, उनको हमने क्या करना है, उसमें हमने एडजेक्टिव पुट करके उनको डिस्क्राइब करना है नाउन को. क्योंकि हमारे डेफिनेशन में ये था कि एडजेक्टिव टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन, कि हमें जो है एडजेक्टिव नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नाउन इज द एलिफेंट. एलिफेंट में स्टूडेंट हम यहाँ पे बिग राइट का एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं. एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, उसका कलर, उसकी बिग स्मॉल कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, बट वी विल यूज हियर एडजेक्टिव बिग. Your favorite fruit, sweet apple. Your favorite dessert, friend dessert होती है, किसी भी मीठी चीज को dessert कहा जाता है. Your favorite dessert, sweet fries. आप अपनी मर्जी से भी अपनी जो favorite dessert write कर सकते हैं यहाँ पे. Your mother की मैं आपने adjective put करना है. Your mother is nice. Your teacher nice. And yourself student, आप अपने बारे में कैसा adjective write करना चाहते हैं, you can write here yourself is cute. Allah Hafiz. शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान. स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक अबाउट अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. टुडे आवर टॉपिक इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑन द पेज नंबर वर्कबुक पेज नंबर 30 वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेसन. स्टूडेंट यू नाउ वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन अबाउट द वर्ब.
अबाउट द वर्ब. स्टूडेंट आपको पता है कि हमने जो है प्रीवियस लेसन में वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब क्या होता है. उसी वर्ब क्या है, वर्ब्स मीन एक्शन. वर्ब मीन एक्शन. वर्ब इज अ डूइंग वर्ड. वर्ब कहते हैं एक्शन होते हैं और इन्हें डूइंग वर्ड भी कहा जाता है. वर्ब्स को लाइक रनिंग, ईटिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सब हमने प्रीवियस लेसन में जो है वो रीड किया था कि वर्ब क्या होता है. हर वो काम, हर वो एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं वो क्या है, वर्ब है. नाउ स्टूडेंट अब हम पेज नंबर 30, वर्कबुक पेज नंबर 30 पे आते हैं और वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं. स्टूडेंट हियर डेफिनेशन ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस द हैबिट्स एंड रूटीन. वी यूज सिंपल प्रेजेंट टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड रूटीन्स. हैबिट्स आपकी वो आदत एंड रूटीन्स और आपकी डेली की रूटीन जो आप रोज़मर्रा में काम करते हैं वो किस में परफॉर्म होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो उसमें कर रहे होते हैं. स्टूडेंट हैबिट्स में हमारे पास क्या है कि हैबिट्स में आपको हर काम जो आपकी एक आदत है कि आपने वो करना है, हर सूरत में करना है, और आपकी एक रूटीन जो आप रूटीन वाइज करते हैं. लाइक एग्जांपल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस. तो ये क्या है, स्टूडेंट के चिल्ड्रन की ये एक रूटीन है कि चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस, कि उनको एक रूटीन से बाय बस से ही स्कूल जाते हैं. नो स्टूडेंट हेयर हाफ डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट इज जनरल ट्रूथ. यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस द हैबिट्स एंड रूटीन एंड द जनरल ट्रूथ. तो जनरल ट्रूथ में हमारे पास हर वो चीज़ जो कि बाय नेचर होकर रहेगी, जो कि कुदरती अमल है, जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, सन राइजेस, सन इज राइजेस, द सन इज राइज. तो क्या है कि सन ने जो है वो निकल नहीं होता है. डक्स लव वाटर, डक्स लव वाटर, कि डक जो हैं उन्हें वाटर के साथ जो है वो पानी में रहना पसंद है. तो वो एक बाय नेचरली बात है और एक जनरल ट्रूथ है कि वो वाटर के अंदर ही रहती हैं. नो स्टूडेंट बाय यूजिंग अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, फॉर यूजिंग अ सिंपल प्रेजेंट टेंस वी विल राइट द फॉर्मूला हेयर. वी विल यूज अ फॉर्मूला हेयर, सब्जेक्ट आई वी यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. कि हम जो है इस पेज के अंदर, पेज नंबर 30 और 31 के अंदर आई वी यू और प्लस फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए इस पेज को सॉल्व करेंगे. आई मीन आई ईट अ एप्पल, वी आर डूइंग अ होमवर्क, यू आर अ गर्ल, लाइक दैट ऑल. नो आवर क्वेश्चन इज हियर ऑन द पेज नंबर 30. स्टूडेंट डेली रूटीन सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब आपने यहाँ पे क्या राइट करना है, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है कि ये सिंपल प्रेजेंट एक्सप्रेस करता है हैबिट्स को, रूटीन को और जनरल ट्रूथ को. बट यहाँ पे आपने क्या सॉल्व करना है, अपनी डेली रूटीन को जो है वो सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में. व्हाट टाइम डू यू, और टाइम भी साथ पे आपने बताना है. या हमें क्लॉक्स दिए गए हैं कि आपने किस टाइम पे कौन सा वर्क परफॉर्म किया है, वहाँ क्लॉक पे टाइम भी शो करेंगे. क्वेश्चन इज हियर, ऑर्डर द वर्ड इनटू सेंटेंसेस एंड कनेक्ट द सेंटेंसेस टू द क्लॉक एंड द पिक्चर, ड्रॉ द टाइम. कि जो हमें सेंटेंस है यहाँ पे वो ऑर्डर में उसको करना है
और जो है वो उसका टाइम जो है वो क्रैक जो क्लॉक है पिक्चर के अकॉर्डिंग वहाँ पे इसका टाइम शो करना है। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर वर्कबुक पेज नंबर 30 हेयर ये क्वार्टेड एट ब्रश टीथ आई 7 to 5। तो इस वर्ड्स को ये हमें जो है अन ऑर्डर है इनको हमने अरेंज करके ऑर्डर में करके एक सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस राइट करना है। आई ब्रश माई टीथ एट 7:15। क्या होगा हमारे पास इसका करेक्ट सेंटेंस? आई ब्रश माई टीथ एट 7:15। जैसे ही हमने स्टूडेंट ये राइट किया तो फ़ौरन जो है आपके सामने यहाँ पे क्लॉक्स दिए हुए हैं और कुछ पिक्चर्स भी हैं इसके साथ। तो आपने जो है वो क्या करना है कि ये आई ब्रश माई टीथ एट 7:15। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है जहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है ब्रश टीथ का, तो आपने वो वाली पिक्चर्स पे जाना है, उस क्लॉक पे आपने जो है ये टाइम शो करना है 7:15। नेक्स्ट इज आई गेट अप एट अ 6:15। आई गेट अप एट अ 6:15। तो जैसे गेट अप यानी कि आपका 6:15 पे उठते हैं तो आपने फॉर्नली वो उस पिक्चर पे जाना है जो कि मेरे पास फर्स्ट पिक्चर है 6:15। तो इस क्लॉक के सामने आपने 6:15 का टाइम जो है वो शो करना है। नेक्स्ट इज हियर आई गो टू स्कूल एट 7:00। आई गो टू स्कूल एट 7:00। हेयर स्टूडेंट इन द पिक्चर एक बॉय है जो कि स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी है और वो स्कूल के लिए जा रहा है। आई गो टू स्कूल एट 7:00। तो यहाँ इसके बिल्कुल फ्रंट पे क्लॉक है उस पर आप टाइम शो करेंगे 7:00। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने जो है पेज नंबर 31 वो इसी तरह आपको जो है वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस मेक करना है और करेक्ट पिक्चर के क्लॉक के सामने बिल्कुल सामने आपने जो है उसका टाइम जो है वो ड्रॉ करना है क्लॉक के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़। शैतान राजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान। स्टूडेंट टुडे आर टॉपिक इज वोकैबुलरी एनरिचमेंट। व्हाट आर टॉपिक इज हियर? वोकैबुलरी एनरिचमेंट। आर टॉपिक इज हियर वोकैबुलरी एनरिचमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वी विल लर्न अबाउट द वोकैबुलरी। वर्ड्स मीन ऑफ वोकैबुलरी के वोकैबुलरी मीन क्या होता है? वोकैबुलरी मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट हैव द सेम नेम्स, दैट हैव सम नेम्स, लाइक इन योर क्लास रूम्स हैव मैनी थिंग्स दैट यू नो अबाउट देयर नेम्स, लाइक अ बुक, चेयर, टेबल, फैन, विंडो, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, लाइक द टॉल। स्टूडेंट बहुत सारी थिंग्स होती हैं जिनके बारे में जो है हम जिनके कुछ नेम होते हैं और इनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, लाइक योर क्लास रूम, पेंसिल, चेयर, टेबल, शॉर्पनर, लाइक द टॉल। दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स, दैट आर द वोकैबुलरी वर्ड्स। एंड नेक्स्ट वर्ड इज हियर इनरिचमेंट। इनरिचमेंट मीन इंक्रीज योर वोकैबुलरी। इनरिचमेंट इंक्रीज योर वोकैबुलरी। स्टूडेंट देर हैव मैनी थिंग्स बट वी डिडंट नो अबाउट देम। बहुत सारी थिंग्स होती हैं हमारे इर्द गिर्द लेकिन हम उनके बारे में पहले से नहीं जानते। जब हम स्टूडेंट उसके बारे में एक नई थिंग सीखते हैं या उस वो क्या हो जाती है आपकी वोकैबुलरी में इंक्रीज इनरिचमेंट हो जाती है। लाइक दैट योर यू डिडंट नो अबाउट द क्लिपबोर्ड एंड चॉक बोर्ड मार्कर दैट। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि ये वर्ड क्या है और आपकी ये क्या होगा आपकी वोकैबुलरी में एक नया
इजाफा इंक्रीज हो जाएगी. इनरिचमेंट मीन इंक्रीज योर वोकेबलरी. इस तरह से नए वर्ड्स जो हम सीखते हैं वो हमारी वोकेबलरी में क्या करते हैं, इंक्रीज होती है, इससे हमारी वोकेबलरी इनरिचमेंट हो जाती है. नाउ कम ऑन योर वर्क पेज नंबर 36 एंड वी डन आवर वर्क अबाउट द वोकेबलरी इनरिचमेंट. First of all, student, put your date and day here on the workbook page number 36. Okay, our first question is here. Add a BA to these letters and make a new words and write the in the space given. Add a BA to these letters. कि हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं जिनमें हमने जो है बी ए का ऐड करके हमने क्या करना है, एक प्रॉपर जो है वर्ड राइट करना है. दैट हैव अ सम मीनिंग्स, जिसके प्रॉपर कुछ मीनिंग्स हैं वो हमने वर्ड यहाँ पे जो है वो राइट करना है गिवन इन द स्पेस जो हमें स्पेस दी गई है. एंड एट द बी ए वर्ड है और इसमें हमने जो है वो वर्ड्स के साथ फर्स्ट में बी ए का ऐड करके नेक्स्ट वर्ड राइट करके एक वर्ड राइट करने हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ हियर बी ए सीखे भैग, बी ए बी वाई बेबी, बी ए डी भैट, बी ए जी भैग, बी ए की भैग. तो ये हमारे पास क्या है, इससे एक प्रॉपर हमारे पास वर्ड बन गया. जैसे स्टूडेंट बी ए अलग था और सी के डी बी वाई डी जी के दैट हैड डिडंट मीन्स, इनका कोई मीनिंग नहीं था. जब हमने इनको जो है वो प्रॉपर अरेंज करके जो है बी ए का ऐड करके इन वर्ड्स के साथ जो है लेटर्स के साथ राइट किया है तो हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड्स बन गए. दैट हैव सम मीनिंग्स. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Add a CA to these letters and make a new words and write in the space given. इसी तरह भी एक ही तरह CA का ऐड करते हुए हमने एक प्रॉपर वर्ड राइट करना है. CA बी खेप, CA के CN खेन, CAG खेज, CFE खेप, CLF खेप. तो हमारे पास इस तरह से भी CA का ऐड करते हुए कुछ प्रॉपर वर्ड्स बन गए हैं. दैट हैव सम मीनिंग्स, वो वर्ड हमने इससे जब हमने इन दोनों को मिलाकर वर्ड राइट किया तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड बने हैं जिनके कुछ मीनिंग है, जिनका हमें पता चल रहा है कि ये क्या होते हैं. जबकि पहले हमें इसके बारे में अलग जब वर्ड थे तो हमें बिल्कुल भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि ये क्या वर्ड बनेंगे, लेकिन जब इनको हम जो है प्रॉपर शेप दी है तो हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड बन गया है. ओके स्टूडेंट, आर क्वेश्चन इज हियर. राइट द नेम ऑफ थिंग्स बिगनिंग विद द फॉलोइंग एट लीस्ट टू. स्टूडेंट देयर हमें कुछ जो है वो वर्ड्स दिए गए हैं जिनका यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, एट लीस्ट टू वर्ड्स जो है ना वन लाइन पे राइट करनी है. और ये स्टूडेंट जो डू इट सेल्फ, ये खुद से आप सॉल्व करिएगा बाय यूजिंग योर माइंड, बिकॉज यू हैव डन अबाउट द वोकैबुलरी वर्ड्स, हाउ टू मेक अ वोकैबुलरी वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. मेक एट लीस्ट फाइव वर्ड्स फ्रॉम दिस लेटर्स. कि मैक्सिमम आपने जो है फाइव वर्ड्स राइट करने हैं लेटर से, वर्ड्स राइट करने इन लेटर से जो कि हमें बॉक्स में दिए गए हैं. डोंट यूज़ द सेम लेटर्स ट्विस्ट इन अ वर्ड. कि कोई एक लेटर जो है वो टू टाइम जो है वो एक ही वर्ड में नहीं आना चाहिए. इसी तरह स्टूडेंट आपने इन जो है बॉक्स के अंदर से लेटर को यूज़ करते हुए अपने फाइव वर्ड्स राइट करने हैं गिवन द लाइन्स. ओके स्टूडेंट, यू नो यू हैव लर्न अबाउट द वोकैबुलरी एनरिचमेंट. अच्छी तरह से आई थिंक आप लर्न अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वोकैबुलरी एनरिचमेंट होता क्या है और वोकैबुलरी जो है वो किस तरह से जो है वर्ड को प्रॉपर बनाया जा सकता है
ओके स्टूडेंट, कम ऑन द पेज नंबर 38 एंड पुट योर डेट एंड डे हर। ओके स्टूडेंट, ये तो बहुत ही अमेजिंग पेज है और इसके अंदर जो हम पहले से ही जो है कुछ लर्न कर चुके हैं। ओके लेट्स टेक स्टार्ट। आर क्वेश्चन इज हियर, रीड गिवन सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट द नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रेपोजिशंस इन द बॉक्सेस बिलो। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट द नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रेपोजिशंस इन द बॉक्सेस बिलो। आर क्वेश्चन इज हेयर कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं नीचे, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, कुछ सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करें एंड राइट द नाउन्स और इसमें से नाउन को फाइंड करें, वर्ब्स को फाइंड करें, एडजेक्टिव को फाइंड करें एंड प्रोपोजिशन को फाइंड करें। और जो हमें बॉक्सेस दिए गए हैं नाउन्स के, वर्ब्स के, एडजेक्टिव्स के और प्रेपोजिशन के, उनके अंदर जो है हमने इनको प्रॉपर प्लेस पे वहाँ पे हमने राइट करना है। कहाँ से फाइंड करके? सेंटेंस के अंदर से। लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, अली इज सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल गार्डन। अली इज सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑन द वुडन बेंच। हेयर आर नोन इज अली, बेंच, गार्डन, दीज आर द नाउन्स एंड वी पुट इट इन द नाउन्स बॉक्स, नाउन्स बॉक्स। एंड आर वर्ब इज हियर सिटिंग, सिटिंग। स्टूडेंट, यू नो ना अबाउट द नाउन्स? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन। एंड वर्ब, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। An adjective tells us something about a nouns or a thing, कि हमें nouns के बारे में जो information provide करते हैं adjective, ये हम previous lesson में students learn कर चुके हैं। And the preposition, you know about the preposition? Preposition are the words that tells us where something is. Preposition are the words that tell us वेयर समथिंग इज, कि प्रेपोजिशन जो है वो हमें ये बताते हैं वेयर इज समथिंग, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो इसी तरह स्टूडेंट, इसमें से हमने नाउन्स फाइंड कर लिए हैं, अली, गार्डन, बेंच एंड वर्ब, वर्ब इज हियर सिटिंग, सिटिंग बैठना, ये एक्शन है। एडजेक्टिव इज हियर ब्यूटीफुल और अ वुडन एंड प्रेपोजिशन इज हियर इन और ऑन। इसी तरह स्टूडेंट्स, एक आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी, इसी तरह आपने बाकी जो सेंटेंसेस हैं इस पेज पर रीड केयरफुली द सेंटेंस एंड फाइंड आउट द नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन एंड पुट इट इन द राइट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। शैतानुरजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड फेथ। आई एम श्योर स्टूडेंट यू हैव लर्न द स्टोरी डॉक्टर नदीम, यूनिट नंबर 7, डॉक्टर नदीम। टुडे स्टूडेंट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस एंड द सेंटेंसेस स्टोरी डॉक्टर नदीम। लेट्स ओपन योर वर्कबुक पेज number 3 and 4, put your date and day on the workbook page number 3 and 4. Our first question is here on the workbook page number 3, make sentences. First word is here, village. Ali lives in the village. Students, you know village mean gaon. Ali lives in the village, Ali gaon mein rehta hai. Second word is here, sick. Sick mean bimar hona. Ali is sick. Next word is here, crack. Mature is crack. And third word is here, pull. Pull mean
Don't pull the chair. Sentence is here. Don't pull the chair. Students, आप अपनी मर्जी से भी अपने सेंटेंस यहाँ पे राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. विच ट्री फेल सिक. विच ट्री फेल सिक. स्टूडेंट्स के हमने क्वेश्चन पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ट्री है जो के सिक था स्टोरी के अंदर. तो हमने स्टूडेंट्स में स्टोरी में पढ़ा कि टेमरेंट ट्री फेल सिक, कि टेमरेंट ट्री है जो के बीमार था, सिक था. क्वेश्चन नंबर टू इज हेयर. वेयर वॉज द ट्री. वेयर वॉज द ट्री, कि टेमरेंट ट्री कहाँ पर था. हमने स्टोरी में रीड किया था द ट्री वॉज इन द सेंटर ऑफ विलेज. तो हम आंसर राइट करेंगे ट्री वॉज इन द सेंटर ऑफ विलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. हु कॉल द डॉक्टर. हु कॉल द डॉक्टर, कि स्टोरी में किसने जो है वो डॉक्टर नदीम को कॉल किया था कि वो आकर टेमरन ट्री को चेक करे. तो स्टूडेंट हमने रीड किया था द विल्जर कॉल द डॉक्टर, के विल्जर्स ने जो है वो कॉल किया था डॉक्टर नदीम को. वी राइट हियर आंसर इज द विल्जर्स कॉल द डॉक्टर. एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज हियर. वेयर वाज द होल. वेयर वाज द होल, स्टूडेंट आपने स्टोरी में रीड किया था कि वो जो टिम्बरन ट्री था उसमें एक बिग होल था, ठीक है. और वो कह रहे कि वो होल कहाँ पे था ट्री के अंदर, जो है पूरा ट्री है उसके अंदर वो होल कहाँ पे बना था, उसके किस पार्ट में बना हुआ था, ब्रांचेस में था या ट्रंक में था या लीफ में था या रूट्स में, कहाँ पे होल था. तो हमने रीड किया था स्टोरी में कि द होल वाज इन द ट्रंक. तो वो होल जो था वो कहाँ पर था, ट्री के ट्रंक में था. तो हम राइट करेंगे द होल वाज इन द ट्रंक. द होल वाज इन द ट्रंक. गो टू ऑन द पेज नंबर फोर. ऑन द पेज नंबर फोर आर क्वेश्चन नंबर फाइव इज हियर. व्हाट वाज इनसाइड इट. व्हाट वाज इनसाइड इट, यानी कि उस होल के अंदर क्या था. उस होल के अंदर क्या था, स्टूडेंट डॉक्टर नदीम ने उस हॉल के अंदर से क्या निकाला था, हमने स्टोरी में रीड किया था. और जल्दी से सोचें और मुझे बताएं. आ बिग वर्म वाज इनसाइड इट, और एक बिग वर्म था जो कि उसके अंदर से डॉक्टर नदीम ने निकाला था. तो हम राइट करेंगे व्हाट वाज इनसाइड इट. अ बिग वर्म वाज इनसाइड इट. एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हेयर. हाउ डिड द विल्जर्स the birds and the tree feel at the end. Our question number 6 is here. How did the villagers, the birds and the tree feel at the end? कि जो villagers यानी कि गाँव वाले थे और जो birds जो tree के ऊपर birds रहते थे और जो tree था उन्होंने सबने क्या feel किया जब डॉक्टर नदीम ने टेम्बरन ट्री को बिल्कुल जो है वो अच्छा कर दिया था, उसके अंदर से बिग वर्म को निकाल दिया था. तो तब एंड पे सबने क्या फील किया. आर आंसर इज हियर. देवर हैप्पी. देवर हैप्पी, सब क्या थे, बहुत खुश थे, हैप्पी थे. आर क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर. डिड एनीथिंग सरप्राइज यू इन द लेसन. क्या ऐसी किसी चीज़ ने जो लेसन के अंदर आपको सरप्राइज किया, क्या इस लेसन में क्या सरप्राइजिंग थी आपके लिए. तो यस, अ बिग वर्म इन द ट्रंक. इसमें सरप्राइज ये था कि एक बिग वर्म था, वो क्या था, ट्रंक के अंदर था. डिड एनीथिंग सरप्राइज इन द लेसन. यस, अ बिग वर्म इन द ट्रंक. एंड आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर. व्हाट डू यू थिंक कुड हैव हैपन If the tree did not get the treatment, what do you think? कि आप क्या सोचते हैं, could you have happened if the tree did not get the treatment? अगर जो है वो एक ट्री जो इसका ट्रीटमेंट ना किया जाता, उसका इलाज ना किया जाता,
डॉक्टर नदीम उसके अंदर से भी एक वर्म ना निकालते टिम्बरन ट्री से तो क्या होता? द ट्री विल ट्राई द ट्री विल डाई, वो जो ट्री था वो डाई यानी मर जाता। वट अदर वे वुड यू प्लान टू क्योर द ट्री, वट अदर वे वुड यू प्लान टू क्योर द ट्री, आप और कौन से जो वेज हैं तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप अपने ट्री को क्या कर सकते हैं, बिग वर्म से बचा सकते हैं यानी क्योर कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं कि उसके अंदर बिग वर्म भी ना हो और डॉक्टर को उसका इलाज भी ना करना पड़े। स्टूडेंट वी कैन राइट हेयर क्वेश्चन बाय टेकिंग केयर ऑफ द ट्री, बाय टेकिंग केयर ऑफ द ट्री कि हम उस नया ट्री की क्या है केयर करके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, थिंक एंड प्रिपेयर द कंपैरिजन चार्ट टू डिफाइन द साइंस ऑफ हेल्थी एंड इल ट्री। आवर क्वेश्चन इज हियर, थिंक एंड प्रिपेयर द कंपैरिजन चार्ट टू डिफाइन द साइंस ऑफ हेल्थी एंड इल ट्री, यूज द फ्रेजेस टू मेक दिस चार्ट। अब हमारे पास एक चार्ट है यानी कि एक कंपैरिजन करना, हमने डिफरेंस बताना है दोनों में कि जो हेल्थी ट्री है और इल ट्री है इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है कि वो हेल्थी कैसे है और वो इल ट्री कैसे, हमें पता चलता है कि इल ट्री है और ये हेल्थी ट्री है। अब हमें टू बॉक्सेस दिए गए हैं, फर्स्ट बॉक्स है साइंस ऑफ हेल्थी ट्री एंड सेकंड बॉक्स है साइंस ऑफ इल ट्री यानी साइंस यानी कि क्या निशानियां हैं जो है वो हेल्थी ट्री की और कौन सी निशानियां हैं इल ट्री की। नेक्स्ट है फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, लीव्स आर ग्रीन, साइंस ऑफ हेल्थी ट्री में फर्स्ट सेंटेंस इज लीव्स आर ग्रीन कि उसके लीव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ग्रीन होते हैं, और साइन ऑफ इल ट्री में क्या होता है लीव्स आर ड्राई, इसके लीव्स ग्रीन होते हैं और इसके लीव्स क्या होते हैं ड्राई होते हैं खुश्क होते हैं। एंड सेकेंड सेंटेंस इज हेयर, ट्री स्ट्रंक इज स्ट्रॉन्ग तो जो हेल्थी ट्री है उसके ट्रंक क्या होती है स्ट्रॉन्ग होती है, एंड द साइन ऑफ इल ट्री में ट्री स्ट्रंक इज वीक उसकी ट्रंक क्या होती है वीक होती है। थर्ड सेंटेंस इज हेयर, हेल्थी ट्री हैज़ फ्रूट्स, हेल्थी ट्री के क्या होते हैं फ्रूट्स होते हैं, एंड इल ट्री डजंट हैव द फ्रूट और जबकि इल ट्री जो है उसके फ्रूट्स नहीं होते। स्टूडेंट्स आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन, लेसन नंबर 7 डॉक्टर नदीम you write your question and answer on workbook page number 3 and 4 and must learn it. Okay, Allah Hafiz. अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट आई होप यू आर इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड फेथ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ लेसन एंड लेसन नंबर 8 राबिया एंड मेमूना। स्टूडेंट वी विल स्टार्ट अ लेसन विद एन एक्टिविटी एंड आर एक्टिविटी इज अबाउट मेकिंग अ पेपर बोट। लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी with me.
Student, now we will read the story. It was a rainy season. Their river was full and flowing fast. Rainy season tha aur river jo full tha, flowing kar raha tha. 7-year-old Rabia and her little brother Taha lived in a small house near the river bank. 7-year-old Rabia hai aur iska little brother Taha hai story mein. जो कि दे लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द रिवर बैंक. राबिया हैड जस्ट लर्न टू मेक अ पेपर बोर्ड्स. स्टूडेंट जस्ट राबिया जो कि ताहा की सिस्टर थी वो सिर्फ जानती थी कि हाउ टू मेक अ पेपर बोर्ड्स. जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने पेपर बोर्ड रेडी की है बिल्कुल इसी तरह. He told Taha, let's make a paper boards. उसने ताहा से कहा चलो पेपर बोर्ड्स बनाते हैं. शी विल फ्लोट थेम ऑन द लेटर ऑन द वाटर लेटर इन द इवनिंग विद मदर. दे मेड अ लॉट ऑफ पेपर बोर्ड्स. स्टूडेंट्स उन्होंने भी बहुत सारी बोर्ड्स रेडी की जैसे कि आपको पिक्चर्स में नज़र आ रही हैं. देन ताहा सेड फिर ताहा ने कहा आई वॉन्ट टू फ्लोट. ताहा सेड आई वॉन्ट टू फ्लोट अ वन बोट ऑन द वाटर नाउ. मैं सिर्फ एक ही बोट जो है वाटर पे फ्लो करना चाहता हूँ. ओनली वन सिर्फ एक. राबिया सेड नो ताहा डोंट गो नियर द वाटर. ताहा सेड ओनली वन बोट एंड ही टुक अ बोट एंड रन टू द वाटर एज. और उसने एक बोट उठाई और वाटर की तरफ भागा. ही बेंट डाउन एंड प्लेस द बोट इन द रिवर इन द वाटर. ही बेंट डाउन स्टूडेंट में नीचे झुका एंड प्लेस द बोट इन द वाटर. देन हिज फुट स्लिप्ड एंड फेल इन टू द रिवर. इसी दौरान में उसका पॉज फिट जो है वह स्लिप्ड किया और जो वो वाटर के अंदर गिर गया. राबिया स्क्रीम्ड में चला ताहा. शी जम्प्ड इन टू द वाटर एंड कॉट होल्ड ऑफ ताहा शर्ट. उसने फौरन राबिया जो कि ताहा की सिस्टर थी उसने जो है वो जंप किया वाटर के अंदर और ताहा की शर्ट से उसे पकड़ लिया. बट शी कुडंट स्विम वेरी वेल. लेकिन वो अच्छी तरह से स्विमिंग करना नहीं जानती थी. द वाटर वाज फ्लोइंग वेरी फास्ट. इट कैरीड देम बोथ अवे फ्रॉम द शोर. 12-year-old Maimuna was standing nearby. एक 12-year-old girl है जिसका नाम मेमूना है जो कि पास खड़ी ये सब देख रही थी. She saw the children in the water. उसने children देखे water के अंदर. Maimuna jumped into the river and caught the Rabia. And Rabia held tightly onto Taha. अब मेमूना ने jump करते ही मैम राबिया को पकड़ लिया और राबिया ने ताहा को. मेमूना वाज अ गुड स्विमर. शी हैव द टू चिल्ड्रन विद वन हैंड. तो स्टूडेंट्स मेमूना जो है वो एक गुड स्विमर थी. शी नाउ हाउ टू स्विम इन द वाटर. तो इसने दोनों चिल्ड्रंस को एक हैंड में अच्छी तरह से पकड़ लिया एंड स्वैम टू द शोर. इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट शी डिड इट. ये इसके लिए बहुत मुश्किल था बट उसने ये सब किया. Soon all three children were safe on the bank of the river. जल्द ही तीनों जो है वो रिवर के पास बिल्कुल सेफ थे. All three of them had swallowed a lot of water. सब बहुत सारा उन्होंने वाटर निगल लिया था swallowed. But they were all safe because first Rabia and then Maimuna had been so brave. क्योंकि इसमें सबसे पहले तो राबिया और फिर मेमूना दोनों ही बहुत ब्रेव थी और उन्होंने ताहा को इस तरह से वाटर के अंदर से निकाल लिया. स्टूडेंट स्टोरी में हमने थ्री करेक्टर्स के बारे में पढ़ा है जो कि है राबिया और इसका लिटिल ब्रदर है ताहा और जो है मेमूना जिसने इन तीनों के दोनों को वाटर से बाहर निकाला था. तो इसमें क्या आ जाता है कि ये ताहा का करैक्टर कैसा है कि वो नॉटी है और जो राबिया है वो गुड स्विमर नहीं थी और मेमूना जो है वो गुड स्विमर थी और कोऑपरेटिव भी थी. तो इस स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन वी हैव लर्न वी शुड नॉट प्ले नियर द रिवर.